कुछ लोगों ने बलेनो गाड़ी में उसका पीछा करके उसको गाड़ी से टक्कर मार के मारने की कोशिश की। जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने फायर भी किया और वो भाग गए। पहले भी 7 मुकदमों में शामिल रह चुका है। इनके खिलाफ लूटपाट के और छीना झपटी के नगर क्राइम टीम ने हत्या का प्रयास, लूट व स्नैचिंग करने वाले दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बुलेरो गाड़ी, एक देशी कट्टा व एक पिस्टल भी बरामद किया। फरूख नगर में एक दुकानदार अपनी दुकान से उसको बंद करके और अपने घर की तरफ जा रहा था बाइक पे, तो कुछ लोगों ने बलेनो गाड़ी में उसका पीछा करके उसको गाड़ी से टक्कर मार के मारने की कोशिश की और उसके पास से पैसे छीनने की नीयत से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। और जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने फायर भी किया और वो भाग गए, जिसके संबंध में हमने फरूखनगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया था। और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट फरूखनगर ने करते हुए उसमें शामिल दो लोग, जो अमित उर्फ टुंडा और एक दूसरा उसका साथी राकेश उर्फ पेठा है जो सोनीपत के रहने वाले हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये पहले भी जो राकेश उर्फ पेठा है ये पहले भी 7 मुकदमों में शामिल रह चुका है और अब भी सोनीपत में 3 मुकदमों में ये दोनों वांटेड हैं। इन्होंने वहाँ से भी गाड़ियाँ छीन रखी हैं, अलग अलग दो गाड़ी छीनने की वारदात कर चुके हैं और एक अपने गाँव में ही 307 की वारदात कर रखी है, जिनमें अभी ये वांटेड चल रहे थे तो इनको हमने गिरफ्तार किया है। और इनसे उस वारदात में प्रयोग एक पिस्टल देसी और एक कट्टा देसी और जो बलेनो गाड़ी थी वो हमने इनसे रिकवर कर ली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्होंने अपना ही छोटा मोटा गैंग बना रखा था वहाँ पे, कि दूसरा एक वहाँ पे विरोधी मजबूत गैंग है उसके साथ इनकी आपस में कोई तनाव तो नहीं थी और ये इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में इनके खिलाफ लूटपाट के और छीना झपटी के 307 के इस तरह के केसेस जाए। आरोपियों ने 2 माह पूर्व फरूख नगर निवासी एक दुकानदार दयाराम को उस समय लूटने का प्रयास किया था जिस समय वह शाम के समय अपनी दुकान बंद करके दुकान से 40,000 रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। आरोपियों ने पीड़ित दुकानदार के ऊपर गाड़ी चलाने का भी प्रयास किया, लेकिन पीड़ित ने जोर जोर से शोर मचा दिया, जिसके बाद दुकानदार के पिता व भाई बाहर आ गए, जिसके बाद आरोपियों ने गोली मारने की नियत से फायर किया, जो गोली दुकानदार के पिता को छूती हुई निकल गई, जिसका मुकदमा फरूखनगर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ टुंडा व राकेश उर्फ पेठा को गाँव साढ़ राणा मोड़ गुरुग्राम से काबू किया है, जो दोनों सोनीपत जिला के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं व अपनी ही एक गैंग चलाते हैं, जिनके ऊपर हरियाणा के अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में करीब 2 दर्जन संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी कई मुकदमों में फरार चल रहे थे, जिन्हें अदालत में पेश कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, बरदान, फरूखनगर, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा बरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।